City Live, a platform to sharing your thoughts. सभ्य समाज के निर्माण के लिए कला को प्रोत्साहित करना आज समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और यह कला हमारे जनमानस से जुड़े मानना कला की बात हो तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी विषय पर आयाम व सिडबी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय मानना कला कौशल विकास की समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट का वितरण भी किया गया व मानना आर्ट पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में टैगोर शिक्षा संस्थान के चेयरपर्सन पीडी सिंह व मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर कृष्णकांत पाठक, सचिव महिला व बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक आयाम सेवा संस्थान के चेयरपर्सन प्रोफेसर चिन्मय मेहता ने आज इस कला को बचाने की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। सर, इस अभियान के बारे में। अदिति, मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि आपको ये जुनून चढ़ा क्यों, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि मैंने अपने 4 दशक में भारतीय परंपरा से बहुत प्रेरणा ली है, और मुझे बहुत भी जब मैं इंटीरियर में जाता हूँ, गांव की संस्कृति देखता हूँ, वहाँ की परंपराएं देखता हूँ, और जब वो उनको नष्ट होते हुए देखता हूँ, लुप्त होते हुए देखता हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा ही कुछ इस मानना कला के साथ हुआ, क्योंकि मेरे एक विद्यार्थी ने जब PhD किया था तो सवाई माधोपुर के बहुत सारे गाँवों में हम घूमे थे, बहुत तस्वीरें खींची थी हमने, और उस समय ये छटा थी कि कोई झोंपड़ी ऐसी मिलती नहीं थी जहाँ चित्र बने हुए ना हो। पर उसके जब 5-10 साल में बाद गया तो देखा कि सारे चित्र गायब हो गए। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई हम तो गारे की दीवार पे करते थे, और जब से हमें सरकार ने पक्के मकान दिए, हमें पक्का मकान की दीवार पर बनाना नहीं आता है। तो मुझे याद आया कि करीब 20-30 साल पहले ऐसा ही मधुबनी में हो रहा था, बिहार की में एक जगह है मधुबनी, जहाँ इतनी ही सुंदर परंपरा है, तो वहाँ भी ऐसा हुआ था कि उन बहुत सारे आर्टिस्टों को भेजा गया था दिल्ली से, तो वो उन गांव में गए थे, गांव से उन वालों से गांव वालों को ये सिखाया कि जो कुछ सुंदर चित्र तुम दीवार पर बनाती हो उसको तुम कागज़ और कपड़े पर बना दो। तो आज ये हालत है कि वहाँ करीब 60,000 लोगों को जीविकोपार्जन हो रहा है। तो मेरे दिमाग में भी ये आया है कि इस कला को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, इनको हम भी ऑल्टरनेटिव सरफेस पे सिखाएंगे। तो पहले हमने क्या किया कि उनको कागज़ जो है हैंडमेड शीट अपनी सांगानेर की उस पर चित्र बनाना सिखाया, उसके बाद हमने कहा कि इनको अपन थोड़ी पक्की दीवार पे भी सिखा देते हैं, और तीसरी बार जब हमारी मुलाकात उनसे हुई ट्राइफेड वालों से, तो ट्राइफेड वालों ने ये कहा कि अगर आप वास्तव में हमारा सहयोग चाहते हैं तो इनको यूटिलिटी गुड्स पर पेंट करना सिखाया। तो आपने देखा होगा एग्जीबिशन में अब हमने सारे के सारे जो टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फैब्रिक पेंट से उनको पेंट करना सिखाएंगे। तो इसमें मेरा यह सोचना है कि परंपरा कोई जब तक पुनर्जीवित नहीं हो सकती जब तक उसको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह के धीमे धीमे इनको दीवार पे पेंटिंग के लिए भी सारी संस्थाएँ बुला रही हैं हमको कि आप हमारी दीवारों को सुंदर कर दीजिए, UTI बुला रही है। तो एक तो इनको इस तरह से अर्बन ब्यूटिफिकेशन में हम इनको सहयोग देंगे, दूसरा ये कपड़े पे अगर सक्सेसफुल हो गया तब तो इसके गुड्स मधुबनी की तरह सारे विश्व में जाएंगे, मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहता हूँ। तो सर, अब जाना चाहेंगे कि आपका ये अभियान किस स्टेज पे है अभी? मेरा ये कहना है कि इस तरह का जो रिवाइवल का जो अभियान होता है वो जब तक कलेक्टिव स्पिरिट से नहीं चले तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता है। वी नीड द सपोर्ट फ्रॉम मैनी स्टेक होल्डर्स, कि लाइक हमें सरकार की तरफ से मदद मिले, गैलरीज की तरफ से सपोर्ट मिले, नेशनल गैलरीज से मिले, इंटरनेशनल लेवल पे भी मिले। वो यही मधुबनी के साथ हुआ है कि आज उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। तो जैसे विदेशों में मैंने देखा है कि बहुत फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट के म्यूजियम्स हैं, तो ये ऑल दिस पेंटिंग्स आर गुड एनफ टू गो देयर। तो अगर ये इस तरह से प्रसार इसका हो जाए, एक तो ये कि यहाँ जब अपने भारतीय लोग भी इसको पसंद करें, इसको समझें, इसको अप्रिशिएट करें, और दूसरा ये है कि जो कला की कदरदा है वो इसको पूरा सपोर्ट करें, तब तो ये एकदम रिवाइव हो जाएगा।
तो आपको इस अभियान में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? ये होती है कि जैसे अभी हम लोगों ने किया ये सिडबी के सहयोग से, तो अपने यहाँ क्या है कि स्किल डेवलपमेंट की जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट और रूटीन हैं, उनको कला की क्या आवश्यकता है उनको समझने की ज़रूरत है। तो हमने क्या है कि मैं चाहता था कि ये मैंने जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया था उसमें सारी स्टेजेज बताई थी कि हमें जो है अब इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, हमें एक्सपोजिशन मतलब एग्जीबिशन के लिए दिल्ली बॉम्बे के लिए एक ग्रांट मिले, फिर हमको ऑनलाइन बेचने की ग्रांट मिले। तो उन्होंने कहा एक बार आप पहले स्किल डेवलपमेंट तो करिए उसके बाद हम देखेंगे। तो मेरा ये कहना है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट की ज़रूरत है, पर यह ज़रूर मैंने देखा है कि जब भी हमने काम किया है महिलाओं बहुत रुचि ले रही है, और महिलाओं को कभी हमने जब भी बुलाया उनको उनकी रोज़गार को बहुत सुनिश्चित किया, इसलिए उनको ये कॉन्फिडेंस तो हो गया है कि हम जब यहाँ काम करने आएंगे तो हमको पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो इसी तरह से और इस बार ये और हुआ कि वो रणथंभौर की भी महिलाएं आई थी और हमने लोकल महिलाओं के साथ उनको बिठा दिया, तो मैंने देखा कि जो काम ये कभी शहर की लड़कियाँ कर नहीं सकती थी महिलाएँ वो भी करने लग गई। तो इसका मतलब ये है कि काम आगे बढ़ सकता है, रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। हाँ वो तो मैंने भी देखा सर, मैं भी थी वर्कशॉप में आपके साथ में, तो रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा है। और अब इंटरनेशनल लेवल पे इसको फेमस करने के लिए आप मेरा यही कहना है कि अगर सरकार की तरफ से और या कॉरपोरेट की तरफ से हमें CSR में अगर फंडिंग उपयुक्त मिले तो हम इसकी एक ऑनलाइन गैलरी बनाना चाहते हैं, जहाँ इधर तो ये महिलाएँ काम करें, इधर इनको काम एक्सपोज हो और इनको दो पैसे मिले और हम इनके पास पहुँचा दें। मतलब जब तक इसकी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी तब तक रोज़गार नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए किसी SR में लोग हम लोगों को ग्रांट मिल जाए। हाँ तो अभी आपको लोगों से कितना सपोर्ट मिल रहा है? मतलब मुझे मिल रहा है लेकिन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है। मतलब हम जिस तरह से सपोर्ट मांगते हैं वैसा नहीं मिल रहा है कि हम तो आपके लिए ए करा देंगे बी करा देंगे। असल में जैसे मैं ये चाहता था स्वामी माधोपुर में ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि अपन ने वहाँ करीब 250 महिलाओं को मोटिवेट कर रखा है, पर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इस बार तो अभी तो आप जयपुर में ही करिए, क्योंकि हमारे ग्रांट की कुछ दिक्कतें आती है, हर संस्था में होती है। तो हमने फिर मना नहीं किया, हमने कहा चलो यही करके देखते हैं। और इसमें महिलाओं को क्या बेनिफिट्स वगैरह हो रहे हैं? मतलब महिलाओं को तो देखिए एक तो बात ये पक्की हो गई, जो घर से बाहर निकलती नहीं थी तो उनको ये लग गया कि अगर हम इसके साथ जुड़ेंगे तो हमें कुछ आय का साधन मिलेगा। दूसरा उनको ये भी लगा कि वास्तव में जो काम बंद कर दिया था, पेंटिंग करने में तो मज़ा उनको भी आता है, तो उनको भी जब कोई माला पहनाता है उनकी पेंटिंग देख के प्रशंसा करता है तो इट्स ए प्लेजर फॉर देम ऑल्सो। यहाँ सबकी माला पहनती हैं पेंटिंग। में हमारे एक आर्टिस्टों के ग्रुप आया था बॉम्बे से एग्जीबिशन की वो करवा रहा था इनोग्रेशन, उन्होंने जब पेंटिंग देखी तो कहा आप 10 महिलाओं को बुला लीजिए, तो वो इतने खुश हुए वो उनके साथ काम करने लगी वहाँ की बॉम्बे की आर्टिस्ट। तो फिर हमने लेके ये कहा कि कितना पैसा दें, तो मैंने इनका कहा आप कितना दे सकते हैं, तो उन्होंने 1,000 रुपये दिया, तो 2 महिलाएं और आई कि हम 300 रुपये और देंगे। तो इसका मतलब ये कि पीपल लव इट, और विदेशी तो इसको बहुत प्यार करते हैं। मतलब विदेशी तो कहते हैं कि तो दिस इज़ वेरी वेरी परसेप्टिव पीस ऑफ आर्ट यू नो। ये जो भारतीय लोग हैं जिनको ये कला समझ नहीं आती, आप उनको कैसे समझाना चाहोगे इस कला के बारे में? बस हम ये चाहते हैं कि जितना इसका प्रसार हो सके, जितनी एग्जीबिशन हो सके, जितना हम लोगों को कन्विंस कर सके कि इसको सपोर्ट करने की जरूरत है, सिटी लाइव अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।